हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सानी। तो व्यूवर्स, आप स्क्रिल का अकाउंट मोबाइल से भी रेडी कर सकते हैं और पीसी लैपटॉप से भी। तो अभी मैं आपको जो है ना पीसी से बनाकर दिखाने वाला हूं, क्योंकि यहां काफ़ी इजीली बन जाता है। तो आप मोबाइल से भी ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अगर आप जो है ना ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके पास जो है ना इससे रिलेटेड पेपाल, स्क्रिल, पेओनियर, पे वगैरह के अकाउंट होने चाहिए। तो मैं काफ़ी सारे अकाउंट्स की जो है ना डिटेल्स में इसके साथ वीडियोज़ बना के अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ये अकाउंट लाजमी बना लें, आपके आगे काम आने वाला है। तो आपको एक आज मैं वेरीफाइड पे जो है ना स्किल अकाउंट बनाने के बारे में बताऊंगा। तो स्किल अकाउंट की एक मज़े की बात यह है कि इसमें आप जो है ना पेमेंट मेथड जैस कैश लगा सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट से आप डॉलर में अर्निंग करते हैं, तो वो डॉलर्स आप जो है ना स्किल अकाउंट में तो आपके आ जाते हैं, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम होती है एक्सचेंज करने में वो उस डॉलर्स को, या फिर आपको बैंक अकाउंट में डालने पड़ते हैं, या फिर जो है ना शॉपिंग वगैरह करनी पड़ती है, निकलवाने का आपके पास कोई चारा नहीं रहता। तो आपने यहाँ से कैसे निकलवाने हैं, जैस कैश के ज़रिए आपके ईजिली निकल जाएंगे स्किल से, क्योंकि स्किल में पेमेंट मैथड जैस कैश मौजूद है। अगर डॉलर आप स्किल में अपने डाल लेते हैं किसी वेबसाइट से एंटर करके, तो उसे जैस कैश में अपने निकाल सकते हैं। तो आपने स्किल अकाउंट जैड ज़रूर बना लेना है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये रहा रजिस्टर का जो है ना बटन, आपने यहां पर सिंपली क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सिंपली आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। रजिस्टर इन मिनट्स एंड प्ले और पे इन सेकेंड्स। तो स्क्रिल का अकाउंट ये तो लॉग इन पैनल है, तो यहाँ से जल्दी जल्दी गलत पुट कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है ना आ जाए। तो सॉरी, ये न्यू बन रहा है, मैं पुट समझा था यहाँ पर नेक्स्ट है, सॉरी लॉगिन समझा था ये नेक्स्ट है। तो हमने पासवर्ड टाइप करना है, उन्होंने हिंट दे दिए, हमने एट्री सेज करेक्टर होना चाहिए, तो एक लेटर और एक नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो हमने आपने लिखना क्या है, अगर लिखना चाहते हैं आप, जैसे मैं अपने लिखता हूँ, अपने चैनल का जो है ना फर्ज करें पासवर्ड लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा टेक्निकल सानी और आगे एट द रेट हैश जो है ना स्टार, या फिर कोई लगा लें, डॉट डालता हूँ, कॉमा डालता हूँ, और उसके साथ जो है ना एक या दो या 786143 कुछ भी मुझे डालना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से टाइप कर लेता हूँ, तो आपने ऐसे ही करना है, उन्होंने हिंट भी दे दिया है। ये सब कुछ करने के बाद देखें, ये सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं, एक नंबर ऑफ सैम्पल्स आ गया, एक लेटर आ गया, और एट लीस्ट 8 करेक्टर भी हो गया। तो यहाँ पर टिक जो है ना हमारा ग्रीन में हो गया। तो आपने ख्याल करना है कि 8 कम से कम 8 हिंसों का हो, और एक लेटर यानी कि गिनती का एक आधार हो, और एक सैम्पल जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा, कर देता हूँ, ये सामने मौजूद हैं, इनमें से एक लाजमी पुट करना हैश एट द रेट कोई भी, तो नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो डिटेल से आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यूअर फर्स्ट नेम, आपने वही नाम क्वेश्चन नेम टू ओपन यूअर अकाउंट, तो उसी नाम पे आपने अकाउंट बनाया जिस पर आईडी कार्ड हो। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है, तो किसी बड़े भाई के नाम पर, या फिर किसी जो है ना वालिद के नाम पर, या किसी रिलेटिव के नाम पर, या दोस्त के नाम पर आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट नेम पुट कर दें, जैसे यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना फर्स्ट नेम, और यहाँ पर सर नेम पुट कर दें, तो दो नेम होते हैं वो मैं डाल रहा हूँ। ये पुट करने के बाद आईडी कार्ड वाले पुट करने हैं, तो ये देखें ग्रीन लाइंस आ चुकी हैं। उसके बाद लिव इन पाकिस्तान है, डेट ऑफ बर्थ आपने पुट कर देनी है, तो जो है यहाँ पर लिखता हूँ मैं 11, तो डेट ऑफ बर्थ आपने आईडी कार्ड वाली ही पुट करनी है, तो मैं बाद में इसको रीसेट कर लूँगा। तो आपने आईडी कार्ड वाली पुट करनी है, आईडी कार्ड साथ रख लें, तो इस तरह से इनवैलिड डेट 11, तो अब ठीक हो जाएगी, ये देखें। तो इस तरह से आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है ये सब फिल करने के बाद। तो ये देखें एड्रेस लाइन फास्ट लिखनी है, बिल्कुल आईडी कार्ड वाली लिखनी है अपने, एड्रेस लाइन आईडी कार्ड वाली। अगर आप चाहें तो जो है ना ये फर्स्ट एड्रेस पुट करने के बाद नीचे जो है ना एड्रेस यही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ऑप्शनल है ये, कंट्रोल भी वैसे मैं पुट कर देता हूँ, मैं इसको रहने देता हूँ, यार आप भी रहने दे, कोई मसला नहीं है, ऊपर वाली पुट कर दें।
सिटी लिख देता हूँ, जैसे मैं नीचे आ चुका है सजेशन में, तो ये तो पोस्टल कोड, अगर आपको आपका पोस्टल कोड नहीं पता तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं अपने सिटी का नेम। मिसाल तौर पर अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपके लाहौर के काफ़ी सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं तो वो आपने पुट कर देना, अगर किसी एक तहसील में आप रहते हैं तो आपने तहसील का नेम पुट करना है, गूगल आपको उसका पोस्टल कोड बता देगा। जैसे मेरा है 34403, तो गूगल कोड इस तरह से आपने मालूम करना है। जैसे ये टिक मार्क आ चुका है, अब नेक्स्ट कर देना है। तो US डॉलर में मैं पेमेंट लेना चाहूँगा, काफ़ी सारे पेमेंट मैथड्स हैं तो मैं US डॉलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और कैप्चा फिल कर लेना है आपने जल्दी से, कैप्चा थोड़ा कभी कभी टाइम ले लेता है। तो ये रहे मोटरसाइकल्स, हम इनको कर देते हैं टिक और कर लेते हैं वेरीफाई। तो अभी ये हमारा इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएगा। तो हो चुका है, यहाँ पर आपने टिक मार्क लगा देना है और ओपन एन अकाउंट, ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो ये था कंप्लीट मेथड, आपका अकाउंट एक ही सेकंड में अभी ये ओपन कर देंगे और आगे मेथड बताऊंगा आपने उसको जैस कैश से कैसे लिंक करना है। तो मेन बात ये है कि आपने वहाँ से जो है ना ईमेल भी कंफर्म करनी पड़ेगी, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ। तो अभी लोड कर रहा है, ये आपके सामने कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इसको लोड करने देते हैं। थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम आ रही है मेरे पास, तो आपके पास ये सब जो है ना कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से इसको कर दूँ, तो थोड़ा सा वीडियो फॉरवर्ड कर दूँगा। तो जब आपका जो है ना वहाँ से क्लियर हो जाएगा तो अवेलेबल बैलेंस यहाँ हमारा शो हो रहा है जो कि 00 है इस टाइम। तो हेलो, ये मेरा नाम आ चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ना टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो मेक यूर अकाउंट सेफर, तो जो है ना टर्न ऑन ऑथेंटिकेशन, क्रिएट ए पिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ ने आपने एक पिन क्रिएट करना है, तो ये लाजमी है, क्रिएट पिन ऑन यूर अकाउंट टू लॉग इन ईजियर एंड फास्टर। तो पिन क्रिएट करते हैं, पिन मैं कोई सी भी क्रिएट करता हूँ। यूज़ पासवर्ड फॉर, तो इसके लिए पासवर्ड जो है ना ये कह रहा है, तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ। सॉरी, पिन जो है ना सिर्फ कुछ ही डिजिट्स की होती है, आपने वो जो है ना गिनती में डाल लेनी है। जैसे मैं डाल लेता हूँ 6 डिजिट्स की पिन डालनी पड़ेगी आपको। वो डालने के बाद आपने सेव पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये हो गया, अपडेट पासवर्ड था तो मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने इसको वेरीफाई कर लेना है। स्किल हैज़ चेंज इट्स अकाउंट वेरीफिकेशन पॉलिसी एंड नाउ रिक्वायर्स ऑल मेंबर्स टू कंप्लीट एडिशनल आइडेंटिटी वेरीफिकेशन स्टेप इन ऑर्डर टू इंश्योर योर अकाउंट यूजेज विल बी इंटरप्टेड। आपने सबसे पहले अपना मेल ओपन करना है, स्क्रील वालों की मेल आई हुई होगी, आपने जो है ना वहाँ से स्क्रील का जो है ना कर लेना है। इफ़ यू डू नॉट ऑथराइज द चेंज प्लीज़ कॉन्टैक्ट द स्क्रील टीम हियर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस मेक यूअर स्क्रील अकाउंट मोर सिक्योर, दी ईमेल इज कंफर्मेशन दैट यूअर पिन हैज़ बीन। सॉरी, इसके पिछले वाला एक मैसेज था, मैंने ऊपर वाला ओपन कर दिया, पिन जो है ना अपडेट वाला। तो ये देखें, क्लिक ऑन द लिंक बिलो वेरीफाई, तो इस लिंक पर अब मैंने क्लिक कर देना है। तो अभी हमारे पास अकाउंट शो हो जाएगा, तो अचानक मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसके लिए मैं माफ़ रखता हूँ। तो ये डैशबोर्ड आ चुका है, अब हमारा जो है ना वेरीफाई हो चुका है। वी हैव अपडेटेड अवर पॉलिसी नोटिस ए पार्ट ऑफ दी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलर GDPR, यू डू नॉट नीड टू टेक एनी एक्शन बट वी रिकमेंडेड यू रीड इट।
तो हम इसको छोड़ देते हैं। वैसे ये रहा, तो आप इसका जो है ना पासवर्ड कहीं पर भी डाल के जो है ना अपनी मेल कहीं पर भी पुट करके स्क्रिल के जिस अकाउंट से आपने बनाया है, तो जो वेबसाइट आपको पे करती है सिर्फ आपने ये मेल डालनी है। जब आपका थ्रेशोल्ड पहुंच जाएगा यानी कि जब आप विड्रॉ लेंगे वहाँ से जो है ना अकाउंट डालने के बाद, तो यहाँ आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो उसके बाद जो है ना ये है मोबाइल वैलेट। अगर आप इस चैस कैश से स्क्रीन में पेमेंट लेना चाहते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं आपको पेमेंट लेकर भी दिखाऊंगा। तो ये और काफ़ी सारे मेथड्स हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इनसे भी पेमेंट ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं इनके साथ अगर करना चाहें तो। अल्ट्रेक्शन फीपेंस प्रमोशन फीचर प्रमोशन, उसके बाद जो है ना आपने करना है काफ़ी सारे ऑप्शन है, अकाउंट ओवरव्यू, ऑल ट्रांजेक्शन, कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट, जिसको छोड़ के मोबाइल वैलेट पे आ जाते हैं। तो वेल वैलेट पे जैसे ही हम आएंगे हमने यहाँ पर अपना जैस कैश अकाउंट पुट करना होगा, जो अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ जल्दी से। तो वही मसला है, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है, मगर अकाउंट स्क्रिल माइक तो ओपन हो चुका है मोबाइल वैलेट। तो ऐड मोबाइल वैलेट पे क्लिक कर देना है आपने, उसके बाद जो है ना तो आपने यहाँ जैस कैश नंबर पुट करना है। तो कोशिश करें जिस आईडी कार्ड को आपने पुट किया है उसी आईडी कार्ड के नाम पर जो सिम थी उसी को यूज़ करें, उसी का जैस कैश नंबर पुट करें। और नंबर पुट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है ना आपने कैसे इसकी वेरिफिकेशन करनी है अकाउंट की, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। वो आपको इसका स्क्रिल का जो है ना ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो वो आपको बना दूंगा, क्योंकि अभी जो है ना एक क्लियर बात मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप स्क्रिल का जो है ना ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर लगा के जो है ना ऐप को ओपन करते हैं तो वो सारी जो है ना रिकॉर्डर में जो है ना सॉरी क्या कहते हैं ब्लैक शो होती है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो मैं कोशिश करूँगा कोई जो है ना किसी फ्रेंड का मोबाइल लेके या आउटर कैमरा लेके उसको जो है ना ऊपर से रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँ, जो है ना किस तरह से आपने वेरीफाई करना है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर किसी को समझ आ जाए तो वो वेरीफाई कर सकता है। तो यहाँ पर आप नंबर पुट कर देंगे, उसके बाद आपने ऐप इंस्टॉल करना होगा। तो ऐप इंस्टॉल करने के बाद मैं जैसे यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0302। तो ये पुट करने के बाद आपने सिंपली नंबर पुट करने से पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो द मोबाइल वैलेट मस्ट बी ये देखें जैस कैश पाकिस्तान ये हमारा ऐड हो चुका है। तो आपने इसको कैसे वेरीफाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने आईडी कार्ड अपने हाथ में रखना है, जैसे मैंने बताया प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी ऐड मोबाइल वैलेट, तो हमारे ये ऐड हो चुका है। तो दूसरा डल जाएगा तो हमारा ये एक बहुत है जो हम डाल चुके हैं। तो इस तरह से आपने अकाउंट बनाना है, इस तरह से वेरीफिकेशन करनी है। दो मजीद इंपॉर्टेंट वेरीफिकेशन है जो एप्लीकेशन के थ्रू होगी, वो इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, तो ये भी चल जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो तमाम भी होता सब आपको बहुत ही पसंद आएगी। मजीद इस तरह की अच्छी अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी इनेबल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।